इतिहास के पन्नों में कई ऐसी घटनाएं कैद है जिनका आज तक कोई साइंटिफिक प्रूफ या सबूत नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेन की जो 37 साल बाद एक एयरपोर्ट पर लैंड होता है और कुछ ही पलों में फिर उड़ान भर के फिर आसमान की ओर गायब हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम डिटेल में जान लेते हैं। बात है 21 मई 1992 की। एक प्लेन 57 पैसेंजरों के साथ बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए कारकस वेनेजुएला में लैंड होता है। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है दोस्तों कि यही प्लेन 37 साल पहले यानी 1955 को न्यूयॉर्क से मियामी निकला था और रास्ते में कहीं गायब हो गया था। इस प्लेन को ढूंढने की कई कोशिश की गई थी लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला था। इस घटना का मुख्य सबूत रेडियो कम्युनिकेशन में रिकॉर्ड हुई पायलट और कंट्रोल टावर के बीच की वार्तालाप। डिप्यूटी मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन रैमन एस्टोवर ने बताया कि उनके एयरपोर्ट कंट्रोल सर्विस वर्कर ने इस इंसिडेंट को अपनी आंखों से देखा था। बट एस्टोवर के अनुसार इम्पोर्टेंट प्रूफ यह था कि 1955 का हैंड साइज कैलेंडर जो कि उस पायलट ने दोबारा गायब होने के पहले छोड़ दिया था। कंट्रोल टावर के वर्कर डॉक्टर डेला कोडेन ने यह बताया था कि ये इंसिडेंट उनके आंखों के सामने हुआ और यहाँ तक कि पायलट ने छोड़ा हुआ कैलेंडर उनके हाथों में ही था और उन्हें यकीन भी नहीं हो रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि फ्लाइट के लोगों को लगता था कि वे अभी 1955 में है और उनकी फ्लाइट ने फ्लोरिडा में लैंड किया है। लेकिन बाकी एयर ट्रैफिक वर्कर्स के लिए ये कुछ अलग ही था क्योंकि उन्होंने जो प्लेन देखा वो काफ़ी पुराने प्रकार का था और उनके रेडर स्केल पर दिखाई नहीं दे रहा था। जब डॉक्टर कोडेन ने पायलट से पूछा कि आपका नाम क्या है तो पायलट ने कहा कि हम कहाँ हैं। उनकी आवाज़ में डर और घबराहट दिख रही थी पर पायलट ने अंत में कहा कि ये चार्टर्ड फ्लाइट 914 है जिसमें 4 क्रू मेंबर और 57 पैसेंजर सवार है और ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी के लिए है। पायलट की ये बात सुनकर पूरे कंट्रोल टावर में सन्नाटा सा छा गया क्योंकि मियामी कारकस से 1800 किलोमीटर दूर था। तब कंट्रोल टावर के वर्कर ने पायलट से कहा कि ये कारकस वेनेजुएला साउथ अमेरिका है, क्या आप खो गए हो? पर पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जवाब न आने पर कर्मचारी ने लैंडिंग की परमिशन दे दी और प्लेन सफलतापूर्वक लैंड हो गया। तभी पायलट ने अपने को पायलट से कहा, जीसस क्राइस्ट जी में ये क्या अजीब सी चीज़ है। पायलट ने डॉक्टर कॉटन से कहा कि ये फ्लाइट 1955 में मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 9:55 पर लैंड होनी थी। तभी उन्होंने कैप्टन से बताया कि ये कारकस का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और आज 21 मई 1992 है और पायलट का रिप्लाई आया, ओ माय गॉड। डॉक्टर कॉटन ने उस पायलट को शांत करने की बहुत ही कोशिश की और कहा कि हमारे ग्राउंड क्रू को आपकी सहायता के लिए भेज रहे हैं। पर जैसे ही ग्राउंड क्रू प्लेन के पास जाने लगा तभी पायलट ने चिल्लाते हुए कहा कि नो डोंट, हमारे पास मत आओ, हम जा रहे हैं, और अपने हाथ में एक फाइल से इशारा किया, दूर जाओ यहाँ से, हम जा रहे हैं। शायद उसी वक्त ये कैलेंडर उनके फाइल से गिर गया हो। पायलट ने अपने प्लेन की इंजन स्टार्ट की और उड़ान भर के आसमान की तरफ गायब हो गया। आज तक वो प्लेन और उसके अंदर सवार 57 पैसेंजर कहाँ गए किसी को भी पता नहीं। ऐसी कई घटनाएं जिनका आज तक कोई सबूत नहीं मिला लेकिन ये घटनाएं लोगों के लिए आज तक एक अनसुलझा रहस्य ही है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से ये प्लेन कहाँ गया होगा नीचे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पास वाले बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप अगला वीडियो कभी मिस ना करें।